नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, भारत देश में सबसे बड़ा न्याय का मंदिर सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, जब से मैंने होश संभाला या आपने जब जब सुप्रीम कोर्ट को देखा हो गया, जब से आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में जाना होगा, हम अक्सर फिल्मों के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, अप्रत्यक्ष रूप से या किताबों के माध्यम से एक मूर्ति देखते थे जिसको कि न्याय की मूर्ति कहा जाता था, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती थी, हाथों में तराजू होती थी। लेकिन अभी साथियों, पिछले दिनों आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी के द्वारा उस न्याय की मूर्ति की जो आंखों पर पट्टी बंधी थी उसको हटा दिया गया, एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में तराजू। अब बहुत सारे लोग इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं और लगातार चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी को घेरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि साथियों, जब से चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने सुप्रीम कोर्ट की कमान से संभाली है, तब से हम देख रहे हैं कि कुछ इस तरह के फैसले एक के बाद एक आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो लोगों के हित में नहीं है या जिससे इस देश के बहुत बड़े तबके की भावनाएं आहत हो रही है। चाहे पिछले दिनों हम एससी एसटी आरक्षण को लेकर जो कोटे में से कोटा था उसकी बात करें, या एनआरसी की बात करें, किसानों के जो तीन कृषि काले कानून थे उनकी बात करें, या तमाम ऐसे कई कानून हैं जिनकी चर्चाएं हम अक्सर देखते हैं, सुनते हैं, और उन कानूनों को लेकर लगातार देश के एक बहुत बड़े तबके में विरोध है। और अभी वर्तमान समय में जो न्याय की मूर्ति की आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी वो खुल गई है, क्योंकि अक्सर हम सुनते थे कि कानून अंधा होता है, और अब कानून अंधा नहीं होगा बल्कि आंखों से देखेगा। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी है, उनसे ही जानने का प्रयास करूंगी कि आज जो न्याय की मूर्ति है उसकी आंखों से जो पट्टी हटा दी गई है, क्योंकि पट्टी का अगर हम एक तरह से देखें तो कहीं ना कहीं हम देखते थे या पाते थे या समझते थे कि जो आंखों पर पट्टी बंधी है, जब किसी व्यक्ति के साथ में न्याय होता था तो तब आंखों पर बंधी हुई पट्टी ये संदेश देती थी कि वो कुछ नहीं देख रही है, कुछ नहीं सुन रही है, बल्कि वो एक सही निर्णय देगी और एक उचित निर्णय देगी। लेकिन अब तो सब कुछ देखा जाएगा खुली आंखों से। मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी है, तो उन्हीं से जानूंगी कि इस प्रकरण को वो किस तरह से देखते हैं। सर, आपका स्वागत है एनबी न्यूज में। जी, बहुत धन्यवाद नीलम जी। जय भीम। जय भीम सर। सर, अभी जिस तरह से मैंने बताया संक्षिप्त एक परिचय दिया कि न्याय की मूर्ति पहले आंखों पर पट्टी थी, अब पट्टी हटा दी गई है, एक हाथ में तराजू है और दूसरे में संविधान, क्या कहेंगे सर इसको लेकर? देखिए नीलम जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अब तक जितने भी न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के बने जी, और तमाम जितने भी कानूनविद थे और संविधान सभा और इस देश के सभी जजेज और इस देश के सभी बुद्धिजीवी वर्ग, आज वो फेल हो गए। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो न्याय की जो मूर्ति है उसकी आंखों पर जो पट्टी बंधी है वो गलत है, और उसके हाथ में संविधान दे दिया, खैर ये तो बात ठीक है कि संविधान देना जो है उचित है, लेकिन संविधान देने के पीछे मूल भावना क्या है? जैसे कि 1 अगस्त को इन्होंने जो है आरक्षण पर अपना फैसला दिया, उसके पीछे मूल भावना क्या थी ये पूरे देश को दिखाई दिया, सुनाई दी। और इसी तरह से संविधान से, क्योंकि इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग बहुत प्रेम करता है संविधान से, उसकी भावनाओं में समाहित है, और संविधान को मुख्यतः बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जोड़कर जो है पूरा देश देखता है, इसीलिए जो है उस समाज की भावनाओं को राजनीतिक रूप से एनकैश करने के लिए ये जो प्रक्रिया है इसको अपनाया गया है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि चाहे तो मूर्ति के आंखों पर पट्टी बंधी हो या उससे पट्टी खोल दी जाए, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? मुझे माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसले में जो उनके कोटेशन बड़े अच्छी लग रही जो है, और अच्छी कोटेशन है, वो कहती है कि जस्टिस इज ए वर्च्यू ट्रांसेंड्स ऑल द बैरियर्स ऑफ लॉ, टेक्निकलिटीज, प्रोसीजर्स। तो जो न्याय है वो एक गुण है जो कि सभी तरह के जो कानून है, कानूनी प्रक्रियाएं हैं, कानूनी तकनीक है, उन सबको लांग देती है। यानी कि जो कोर्ट का जो अल्टीमेट एम है जी, जो अंतिम उद्देश्य है, वो न्याय करने की भावना होनी चाहिए। लेकिन सर, आपको लग रहा है कि आज के वर्तमान समय में न्याय हो रहा है? क्योंकि अगर हम चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी की बात करें, लगातार उनकी पर्सनल फोटो, मतलब उनके घर पे पूजा करते हुए माननीय प्रधानमंत्री आजकल दिख रहे हैं हमें, और कई पर्सनल मीटिंग भी उनकी हो रही है। और पिछले दिनों जिस तरह से चंद्रचूड़ जी ने इस देश के बहुत बड़े लोगों की भावनाओं को एनकैश किया, क्योंकि जब हमने देखा कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में, मेन प्रांगण में बाबा साहब की चलायमान प्रतिमा को स्थापित किया गया, उसके बाद में कई ऐसे प्रकरण हुए तो लोगों ने चंद्रचूड़ जी की जय जयकार करी, काफी उनको
मतलब एक तरह से सम्मान की दृष्टि से देखा, लेकिन वही हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक इस तरह के डिसीजन आ रहे हैं जो कि संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। क्योंकि जिस संविधान की हम बात करते हैं या जिस संविधान के तहत भारत देश को चलाने की बात करते हैं, उसी संविधान की आए दिन धज्जियां उधेड़ी जा रही हैं। देखिए नीलम जी, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, ये बहुजन समाज जो है भोला भाला है और मूर्ख भी है, और इस समाज से कहीं ज्यादा मूर्ख जो है इसका बुद्धिजीवी वर्ग है, जो कि अपने निजी हितों में इतना डूब चुका है, निजी स्वार्थों में इतना डूब चुका है कि उसे जो है समाज का भला दिखाई नहीं देता। और बार बार मैंने कई बार कहा है, और जितना भी अभी समाज की जो दृष्टि है उससे अलग हटकर उसको दृष्टि प्रदान करने का प्रयास भी किया है, बिल्कुल बेसिक तरीके से सोचने का काम किया है कि इसके पीछे मंशा क्या है, सुप्रीम कोर्ट की मंशा क्या है, फलाने नेता की मंशा क्या है, वो ऐसी एक्टिविटीज क्यों कर रहा है, वह मंच पर ऐसा क्यों बोल रहा है, तमाम तरीके से बताने के बावजूद बहुजन समाज उन्हीं क्रियाकलापों में लिप्त पाया जाता है। जिस बात से उसको रोकना चाहते हैं उसी बात में जाकर जो है संलग्न होता हुआ दिखाई देता है। तो इसकी जो समस्या है बेसिकली, वो समस्या जो है इसकी जो अपनी मूर्खता है, अपनी जो बेवकूफी है, वो ज्यादा बड़ी गंभीर खतरा है। जो है अभी जिस प्रकार से आपने कहा कि न्याय की जो मूर्ति है उसकी आंखों से पट्टी हटा दी, अब वो देखकर न्याय कर सकती है। एक दहेज का मुकदमा लगता था नीलम जी कुछ साल पहले जी। और जैसे ही वो दहेज का मुकदमा कायम हुआ, FIR हुई, उसमें सारा परिवार जितने भी नाम उसमें लिखवाए सारे जेल के अंदर। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये सोचा समझा कि भाई झूठे मुकदमे भी लगते हैं और अक्सर अब जो है इसका गलत फायदा लड़कियां उठा रही हैं, तो अब क्या कर दिया, अब उसमें 41A का नोटिस इशू करने की बात कह दी है। अधिकतर जो मुकदमे में जो है जहां पर आयोग को लगता है कि इसमें गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, तो 41A का नोटिस देकर जो है वो गिरफ्तारी को रोक सकता है, गिरफ्तार नहीं करेगा। तो अब दहेज के मुकदमों में गिरफ्तारी नहीं होती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि दहेज के मुकदमों में सजा ही नहीं होती है, बहुत कम, रेयरेस्ट ऑफ रेयर में सजा कभी कभार मिलेगी आपको देखने के लिए, मैंने तो आज तक सुनी नहीं है। उसके बाद जो है अब एक बार FIR दर्ज हो गई दहेज के मुकदमे में, उसको अगर मान लो दोनों पार्टीज के बीच में, पति पत्नी के बीच में सुलह हो गई कि हमें भाई अब साथ में नहीं रहना, तलाक लेना है, अलग होना है, अब अलग होने का उनका जो है एग्रीमेंट बन गया, तलाक भी हो गया कोर्ट से, और उस एग्रीमेंट में लिख दिया कि अब हम जो है जो भी हमारे मुकदमे हैं उनको वापस लेंगे। अब उनमें से एक मुकदमा है FIR का, जो FIR दर्ज हुई, तो उसको भी वापस लेना है। अब उसको वापस लेने का क्या तरीका है, FIR दर्ज करना तो आसान है, पुलिस स्टेशन जाओ और FIR लिख जाएगी, लेकिन उसको वापस लेने के लिए आपको पहले 482 CRPC में हाई कोर्ट जाना पड़ता था। क्वेशिंग की पावर जो है हाई कोर्ट को थी, वो नीचे जो MM कोर्ट जिसके पास मुकदमा आता है उसको ये पावर नहीं थी। अब इस सरकार ने जो है अभी ये बताया लोगों को कि उन्होंने जो है ये जो IPC CRPC और जो एविडेंस एक्ट थे उनके नाम बदल दिए, उनको बदल दिया है, उनमें सुधार कर दिया, सुधार करने का दावा ज्यादा किया। लेकिन जब मैंने इनको पढ़ा, जितने भी प्रोविजन अब तक मेरे सामने आए हैं, मैंने देखा कि उसमें कहीं कोई भी बदलाव नहीं है, कुछ भी बदलाव नहीं है। अगर मैं मोटे मोटे तौर पर अगर इसी कानून की बात करूं, बाकी कानूनों की हम बारीकियों पर न जाएं, इसी कानून की बात करूं कि दहेज का जो कानून है उसमें जो ये जो क्वेशिंग की पावर थी, अब सुप्रीम कोर्ट जब ये संज्ञान लेता है कि भाई ये झूठे मुकदमे होते हैं इसलिए इस पे जो है अब गिरफ्तारी जो है नहीं होनी चाहिए या बेल ग्रांट कर देनी चाहिए, अब क्रुएल्टी का मामला उतना नहीं है, झूठा मुकदमा ज्यादा होता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है या लेजिस्लेशन ने, जो पार्लियामेंट हमारी संसद, उसने जब कानून बनाया तो उसने जो है इस बात को क्यों नहीं देखा कि भाई अब इस बात के लिए भी पार्टीज को हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, अब हाई कोर्ट जाना है तो हाई कोर्ट में जो है वकील करना पड़ेगा, फ्री में तो होगा नहीं, वहां पर भी जो लिटिगेंट्स हैं जिनको हाई कोर्ट जाना है कम से कम 50-60 हज़ार रुपये खर्चा है क्वेश्चन कराने का। अब बताइए ये पार्लियामेंट ने क्यों किया, इसको अगर वहीं पर जो है MM के हाथ में पावर दे देते कि अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया है तो वहीं पर जो है FIR को समाप्त करने की पावर वहां दे देते, तो इसमें सुधार कहते हैं, ये सुधार है, समय लोगों पर एक तरह से मार पड़ी है। हाँ, समय के हिसाब से इसमें सुधार कर दिया है, लेकिन नहीं, क्या इस बात को जो न्याय की मूर्ति की आंखों से पट्टी हटाई उन्होंने, इससे पहले कम से कम इन बातों को देख लेते। उसके अलावा जैसे कि अभी 1 अगस्त को उन्होंने जो निर्णय दिया, फैसला दिया, उसमें जो NFS की कहीं बात नहीं करी, और मैं लगातार बात कर रहा हूं जी। सुप्रीम कोर्ट NFS की बात क्यों नहीं कर रहा है, जब न्याय की मूर्ति की आंखों पर पट्टी बंधी थी तब आपने इसीलिए उसको नहीं हटाया कि कहीं वो आपको देख लेती,
कि आप जो एनएफएस की चर्चा नहीं कर रहे हैं, और क्या अब न्याय की मूर्ति ये देख लेगी कि आपने उस फैसले में एनएफएस की कोई चर्चा नहीं की है, और एनएफएस की चर्चा किए आपने जो आरक्षण है उसके वर्गीकरण में वर्गीकरण आपने कर दिया है, जो कि बिल्कुल आपकी नियत दिखा रहा है कि हरियाणा में तो सर लागू हो गया, जैसे सरकार बनी थी बिल्कुल लागू भी हो गया है और आगे भी लागू होगा। लागू इसलिए नहीं होगा कि उन लोगों को जो है न्याय देना है, उन लोगों के साथ में सामाजिक न्याय करना है, बिल्कुल भी नहीं, ना तो सरकार का और ना ही न्यायालय का ये उद्देश्य नहीं है कि उनको न्याय देना है। इनका उद्देश्य ये है कि ये जो समाज जो संगठित हो रहा था, जो एससी समाज अपने आप को संगठित कर रहा था, एसटी समाज अपने आप संगठित कर रहा था, ओबीसी समाज जो है अपने आप को संगठित कर रहा था, एससी होने के नाते, ओबीसी होने के नाते, एसटी होने के नाते, और एससी एसटी ओबीसी आपस में संगठित हो रहे थे कि राजनीतिक सत्ता जो है अकेले हासिल नहीं कर पाएंगे। अभी जो संगठन जो पैदा हो रहा था, इस संगठन में एक ऐसी जो है विभाजनकारी नीति लेकर आने का जो उद्देश्य था इनका कि ऐसा कुछ काम कर दिया जाए जिससे कि ये समाज जो है हमेशा हमेशा टूट जाए और कभी भी जुड़े ना। सर जी एक बात देखते हैं सर, अक्सर हम भारत देश में, क्योंकि जब जब चुनाव होते हैं किसी भी राज्य में हो या पूरे भारत देश में हो लोकसभा के, तो एक चीज बहुत बड़े स्तर पर हम देखते हैं कि शासन प्रशासन की तरफ से एससी एसटी आरक्षण को लेकर चर्चाएं शुरू हो जाती है, कुछ ऐसा सगुफा छोड़ दिया जाता है कि लोग मेन मुद्दों से भटक कर उसमें ही विलीन हो जाते हैं। और अभी वर्तमान में भी हम देख रहे हैं जिस तरह से हरियाणा के चुनाव थे और एक दो स्टेट में और चुनाव थे, और अभी फिर दोबारा से दिल्ली में भी चुनाव होने वाले हैं 2-3 महीने के बाद में, और कई राज्यों में होने वाले, तो फिर से एक बार एससी एसटी जो आरक्षण है उसको लेकर बवाल खड़ा कर दिया, तो क्या कहेंगे सर, कहीं ना कहीं मेन मुद्दों से भटकाने की साजिश तो नहीं है? देखिए ये तो अक्सर जो है प्लानिंग चलती रहती है, जो जिसे आप लोग मनुवादी सरकार कहते हो और ब्राह्मणवादी तत्व जो है वो अक्सर जो है ऐसा करते हैं, और सारा जो तंत्र जो है, सारे यानी व्यवस्था जो है इन लोगों के हाथ में है। आप लोगों को कब किस तरह से किस दिशा में मोड़ना है, इनके पास सारे जो व्यवस्था है उसका जुगाड़ सब कुछ है। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, हम यहाँ पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, इस चर्चा से जो हमारे दर्शक हैं हम उनको क्या बताना चाहते हैं, ये मुख्य बात है। हम अपने समाज को जागरूक करना चाहते हैं, हम जगाना चाहते हैं कि भाई देखो आपको जो दिखाई दे रहा है वो सही नहीं है, आपको जो दिखाई दे रहा है उसके पीछे जो मानसिकता है उसको जानने का प्रयास करो। लेकिन सर लोग तो ये भी कहते हैं कि आप फूट डालते हो इस तरह की बातें करके, आरक्षण की, आजादीवाद की, आप खुद इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हो। ठीक है मैं मान लेता हूं, लेकिन मेरे सामने तो कोई आया नहीं अभी तक बताने के लिए। मैंने कहा कि 1 अगस्त को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में आरक्षण की नीति लागू की फैसला दिया वो मुझे स्वीकार है, और वो बहुजन समाज को उसका विरोध नहीं करना चाहिए। बहुजन समाज क्यों विरोध कर रहा है बताइए आप मुझे, क्यों, उससे क्या नुकसान हो रहा है? ऐसी समाज के भीतर जो आरक्षण है, जितना भी आरक्षण है उसकी जितनी भी जातियां हैं उसमें भीतर आरक्षण देने की बात जो है सरकार कर रही है, सुप्रीम कोर्ट कर रही है, चलो ठीक है, उसका स्वागत क्यों नहीं कर रहे हो? उसका आप स्वागत करो तो जिनको भी आरक्षण नहीं मिला है वो भी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। हाँ भाई देखो हमारे भाई ने जो है बंटवारा स्वीकार कर लिया, एक परिवार में ही जब भाइयों के बीच बंटवारा होता है और बंटवारा जो है किसी ने प्रपोज कर दिया भाई ने जो है, और उस बंटवारे को दूसरे भाई जो है शहर स्वीकार कर लेते हैं, तो उनके बीच में जो संगठन पैदा होता है या संगठन टूटता है, संगठन पैदा होता है, लेकिन उस परिवार के बंटवारे में इस बात को निश्चित करना बहुत जरूरी था कि किसी भी तरीके से, चाहे भाई देख तेरे पास रहे चाहे मेरे पास रहे, जब तक ये हम दोनों के बीच में है तो हमारे परिवार की संपत्ति है, लेकिन ये संपत्ति जो है बाहर नहीं जानी चाहिए, हमें इसकी व्यवस्था करनी है। तो मेन जो काम था उस पर तो समाज का फोकस नहीं है। अगर यही बहुजन समाज के बुद्धिजीवी जो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, बहुजन नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमें आरक्षण पे ये जो फैसला है मंजूर नहीं है, और उसके कारण बहुजन समाज टूट रहा है, उसके कारण बहुजन समाज टूट रहा है, और जो आंदोलन कर रहे हैं उनको आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, जो चिल्ला रहे हैं उनको आरक्षण को कोई लाभ नहीं है, कोई मतलब नहीं आरक्षण से उनको जो है, बगैर बात चिल्ला रहे हैं। एनएफएस सर कोई नहीं बोल रहा, एनएफएस ही वो चीज है, एनएफएस ही वो नीति है जिससे कि एससी समाज के लिए जितना आरक्षण लागू किया गया है उसको वो धीरे धीरे जनरलाइज कर दे। जी सर, जाते जाते मैं आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, चर्चा काफी बड़ी हो जाएगी, फिर से मैं दोबारा से लौट कर आती हूँ न्याय की मूर्ति पर, कि आंखों से पट्टी हट गई, हाथ में संविधान आ गए, तो क्या लगता है अब निष्पक्ष तौर से लोगों को न्याय मिल पाएगा? देखिए वो न्याय की मूर्ति है, उसके अंदर जान नहीं है, उसके अंदर संवेदना नहीं है, उसकी चाहे आप पट्टी हटाओ चाहे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो न्यायाधीश जिनकी सांसें चल रही हैं, जिनके दिमाग चल रहे हैं, उनकी आंखों पर, और ये आंखों पर नहीं,
उनकी अकल की आंखों पर लगी हुई पट्टी को हटाना बहुत जरूरी है। वो जो अकल की आंखों पर जो पट्टी लगी है वो है लोभ की, लालच की, पक्षपात की और अभिमान की, अहंकार की, इसकी जो पट्टी लगी है उसको हटाना बहुत जरूरी है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि किसी भी न्यायाधीश को इसलिए किसी के साथ में न्याय नहीं करना चाहिए कि वो राग से या द्वेष से रंजित है, किसी के प्रति पक्षपाती है। वह जब न्याय करे तो उसको जो है राग और द्वेष से अलग हट जाना चाहिए, उसको अपने आप को जो है उस मामले से, उस मामले के लाने वाले से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेना चाहिए, कुछ रुका नहीं होना चाहिए। फिर जो आप ये बार बार बातें करते हो, पहले आंखों पर पट्टी बंधी थी, आप कहते थे कि वो ना अमीर देखती है ना गरीब देखती है, भाई क्यों नहीं देखोगे? अगर आप अमीर को नहीं देखोगे और गरीब को नहीं देखोगे तो न्याय कैसे करोगे? एक अमीर को आप जो है 6 महीने जेल में डाल दो, उसके परिवार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहीं आप जो है एक गरीब को 1 महीने के लिए जेल में डाल दो, उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, फर्क नहीं है क्या? आंखों पर पट्टी क्यों बंधी हुई है? है? और आंखों पर पट्टी जो बंधी हुई है तो प्रतीकात्मक है। आप जो बेसिकली जो आपकी अकल की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है उसको उठाइए, आप देखिए कि कितना अन्याय हो रहा है इस देश में, कितना अपराध हो रहा है, कितनी कंपनियों की लूट बची हुई है, पूंजीपति किस तरह से इस देश के गरीब लोगों को बर्बाद किए जा रहे हैं, उनको खा रहे हैं, किस तरह से राजनेता जो है अपनी राजनीति लूटने के सीखने के लिए किस प्रकार से इस देश को लूट रहे हैं, ये सब कौन देखेगा?